स्वागत है दोस्तों आप सभी का टेक्निकल दिव्यांग चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको अपने डिवाइस को रूट करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, रूट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने डिवाइस के ऊपर फुल्ली कंट्रोल रख सकते हैं, यानी अपने डिवाइस के सिस्टम ऐप्स को भी आप एक्सेस कर पाते हैं या फिर सिस्टम ऐप्स को एडिट, डिलीट, रिमूव या फिर कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम अपने फ़ोन को डेवलप कर सकते हैं। हिडन फीचर्स को भी आप जो है अपने डिवाइस पे रूट के थ्रू उसे हम रिवील कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि आपको अपने डिवाइस को रूट करना चाहिए या रूट करने से या फिर आपके फ़ोन की वारंटी ख़त्म हो जाती है या फिर वारंटी क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाले घंटी को क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं रूटिंग की। तो दोस्तों रूटिंग प्रोसेस जो है वो दो तीन तरीके से होती है। एक तो आप पीसी से कर सकते हैं जिसके लिए आपको बूटलोडर अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद आप TWRP इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद सुपर एसयू का जो फाइल है आप उसे फ्लैश कर देंगे। ये होती है रूटिंग की एक प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस होती है दोस्तों बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसको आप किंग रूट एप्लीकेशन या फिर बहुत सारे रूटिंग एप्लीकेशन के थ्रू रूट कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं वारंटी की। तो सबसे पहले अगर आप डिवाइस को अपने किसी ऐप से रूट करते हैं तो दोस्तों रूटेड फ़ोन की वारंटी जो है लैप्स नहीं होती है जब तक आप बूटलोडर को अनलॉक नहीं करते हैं। अगर हालांकि बहुत से डिवाइसेस जो हैं अब लेटेस्ट जो एंड्रॉयड फॉर्म लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन उसमें तो आप सॉफ्टवेयर की मदद से किसी एप्लीकेशन की मदद से उसे रूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर बाय द वे आप कर लेते हैं तो कंपनी जो है आपको मैक्सिमम कंपनीज जो है आपको वारंटी प्रोवाइड करेगी। और एक दो कंपनी को अगर हम छोड़ दें कि अगर एक दो कंपनी को हम छोड़ देते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मैक्सिमम कंपनीज अगर आप उसे बता भी देते हो कि हमने फ़ोन को रूट किया था इस ऐप से तो भी वो आपके फ़ोन की वारंटी क्लेम करने देगी। दोस्तों बात कर लेते हैं बूटलोडर अनलॉक करके TWRP इंस्टॉल करने के बाद अगर आपने अपने डिवाइस को रूट किया है तो वहाँ पर कंपनीज जो है आपको फ़ोन की जो वारंटी जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगी, यानी कि आपकी वारंटी जो है वॉइड हो जाएगी। वो इसलिए हो जाएगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपने फ़ोन को रूट किया है, वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपने अपने डिवाइस के बूट लोडर को अनलॉक किया है और अपने कस्टम रिकवरी यानी कि उसमें कस्टम रोम्स या रिकवरी इंस्टॉल किए हैं। तो दोस्तों इसलिए अगर आप अपने डिवाइस को रूट करना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर रूट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर आप बूटलोडर को अनलॉक करते हैं तब जाके रूट करते हैं TWRP के थ्रू तो दोस्तों वहाँ पे आपकी वारंटी जो है वो लैप्स हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी ऐप के ज़रिए अपने फ़ोन को रूट करते हैं तो दोस्तों आपकी वारंटी जो है बनी रहेगी मैक्सिमम कंपनीज़ के फ़ोन्स के लिए। एक दो कंपनी को अगर जो कि डेवलप्ड कंपनीज़ हैं इंडिया में वो आपको जैसे रेडमी हो गया, सैमसंग, ऑनर, ये सब जो कंपनीज़ है वो रूटेड फ़ोन्स की भी वारंटी देती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो वारंटी क्लेम करने नहीं देती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आप अपने तरीके से सोचिए कि आपको रूट करना चाहिए, लेकिन मैं तो यही बताऊँगा कि अगर आप रूट कर पाते हो तो जितने भी आपके जो हैं आप जिस ऐप्स को यूज़ नहीं करते हैं या फिर जिस ऐप्स को आपको यूज़ नहीं करना है उस ऐप्स को भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम स्पेस अपने डिवाइस में जो है आप बना सकते हैं, यानी कि उस ऐप्स के जगह पे आप दूसरा ऐप्स इंस्टॉल करिए या फिर आपके जो मेमोरी है वो इंटरनल इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह से आपके डिवाइस के रूट करने के तो बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन वही रूट अगर आप कर लेते हैं और अगर आपको कुछ पता नहीं होता है, अगर आप कोई वीडियो वगैरह देख के प्रोसेस में लग जाते हैं वहाँ पे आपको दिक्कतें आ सकती है। तो दोस्तों अगर आप जब भी अपने डिवाइस को रूट करें तो प्लीज़ आप उस बारे में पर्टिकुलर ऐप्स के बारे में या फिर पर्टिकुलर एडिटिंग के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तभी आप अपने डिवाइस को रूट करें, वरना आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि बूट लूप पे आपका फ़ोन आ जाएगा जैसे ही आप रीबूट करोगे या फिर बहुत सी बातें हैं जो आपको परेशानियाँ जो है देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।